फिर 10-15 दिन का एरिया किया कढ़ावांगे मेरी गल सुनो सर, कमल सर की फोन करो, डायरेक्टर ऑफिस गल होई आखदे अपने सर्विस बुक का पहला पेज चढ़ो ते काम होई जांदा। सर सीओ साहब से तो जो हुआ वो तो डायरेक्टर ऑफिस में ही बात हुई हमारी 16 दिन के बाद। कल हमें डायरेक्टर साहब ने बुलाया था वहाँ, और लगभग सारी कमेटियाँ अपने कौंसल सभी यहाँ वहाँ पर थे, और हमारे सीओ साहब भी हमारे साथ थे, 3-4 लोग और भी ऑफिसर थे वहाँ। एक कमेटी बनी और उसमें जो हमारा मेन था कि कैजुअल को परमानेंट करने का, उन्होंने सीनियरिटी की लिस्ट जो है वो क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार नहीं तो मंगलवार आपके ऑफिस में लिस्टें मिल जाएंगी आपको, और एक महीने का उन्होंने समय लिया कि एक महीने में जो कागजी काम होगा ग्राउंड लेवल पे वो ख़त्म हो जाएगा और आर्डर आपको मिल जाएंगे। दूसरा था हमारा 2.5 दिन की सैलरी का, तो वो भी उन्होंने बोल दिया है कि जैसे हमने डिमांड रखी थी कि हमारे सैलरी के साथ उसको जोड़ दिया जाए। पहले ऐसा था कि और सोर्स से थी, हमने उसको बंद करवाया, और अब उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्टर ऑफिस से ही वो सैलरी आएगी, और सैलरी के साथ जैसे सैलरी पूरी मिलती है जैसे हेल्थ फोर्स को जैसे मेडिकल वालों को वैसे हमें भी मिलेगी। और जो हमारे सस्पेंशन थे आर्डर उनको भी वापस ले लिया, जो यहाँ से तबादले थे उनको भी वापस ले लिया, और लगभग जो फैसला हुआ अच्छा हुआ है लोगों के लिए। और सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 16 दिन
हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया उन्होंने, और शहरवासियों का जिन्होंने दरी पर भी और बाहर से भी हमारी सपोर्ट की है उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज से जो सफाई व्यवस्था है वो शुरू हो चुकी है कठुआ में क्या अर्बन लोकल बॉडी के हर म्यूनसिपल कौंसिल म्यूनसिपल कमेटी में शुरू हो चुका है। और मैं आगे भी ये अपील करता हूँ सभी अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों से कि वो अपना काम ईमानदारी से करें। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो हम जैसे एक साथ कठुआ में रैली किया वैसे ही हम एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। कभी भी किसी को प्रॉब्लम बनती है तो कठुआ कमेटी सबसे आगे रहेगी। जय हिंद जय भारत।